नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरेटर और मोटर के स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश मोटर या जनरेटर के रोटर, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है, उसे इलेक्ट्रिकल पावर देने के लिए यूज़ होता है। स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश के बीच फ्रिक्शन होने के कारण उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अगर स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश का रेगुलर मेंटेनेंस न किया जाए तो कार्बन ब्रश पूरी तरह से घिस जाएगा और रोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और स्लिपरिंग की सरफेस पर धूल जमा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश के मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है। फर्स्ट, चेक लेंथ ऑफ कार्बन ब्रश, यानी हम सब कार्बन ब्रश की लेंथ चेक करते हैं कि कितना पोर्शन अभी बाकी है। अगर कार्बन ब्रश की लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से कम होगी तो हमें कार्बन ब्रश रिप्लेस करना होगा। दूसरा है चेक स्प्रिंग टेंशन। कार्बन ब्रश में लगी हुई स्प्रिंग कार्बन ब्रश को स्लिपरिंग के साथ टेंशन में टच करके रखती है। अगर स्प्रिंग कार्बन ब्रश को टेंशन में नहीं रखेगी तो ब्रश और स्लिपरिंग के बीच लूज कनेक्शन रहेगा और इस वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश के मेंटेनेंस में स्प्रिंग का टेंशन चेक करते हैं। इसके लिए हम ब्रश पर लगे केबल की हेल्प से ब्रश को थोड़ा बाहर खींचकर छोड़ देंगे। अगर ब्रश वापस से टेंशन के साथ स्लिपरिंग से कनेक्ट हो जाएगा तो स्प्रिंग का टेंशन ओके है। अगर ब्रश वापस से स्लिपरिंग के साथ टेंशन में कनेक्ट नहीं हुआ तो हमें कार्बन ब्रश को रिप्लेस करना होगा। तीसरा है क्लीनिंग ऑफ स्लिपरिंग एंड कार्बन ब्रश असेंबली। स्लिपरिंग और कार्बन ब्रश को ड्राई एयर ब्लोअर से क्लीन किया जाता है जिससे उस पर लगी धूल दूर हो जाए। चौथा है चेक हीटिंग सिस्टम। अगर मशीन कंटिन्यूस वर्किंग में ना हो तब स्लिपरिंग असेंबली में हीटिंग के लिए स्पेस हीटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसे चेक किया जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान YouTube चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।